बजरंग बली को करना है प्रसन्न तो अर्पित करने पांच चीजें बनेंगे बिगड़े काम। सनातन धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। वही मंगलवार दिन पवन पुत्र हनुमान के लिए समर्पित माना जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक अगर मंगलवार के दिन पवन पुत्र बजरंग बली कुछ चीजें अर्पित की जाए तो राम भक्त हनुमान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। कलयुग में बजरंग बली के ही एक ही ऐसे देवता हैं जिनकी अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खासकर ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को अगर पवन पुत्र के लाल कपड़ा, लड्डू, तुलसी के पत्ता, सिंदूर और ध्वजा अर्पित किया जाए तो जीवन में आए तमाम कलेश दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा भी लिखे हैं, संकट कटे मिटे सब पिय जो सुमरे हनुमत बलबीर। अगर आप विकट परिस्थितियों में हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बजरंग बली अति शीघ्र समस्या का समाधान करेंगे। लाल कपड़ा चढ़ाएं अगर आपकी किसी परेशानी में है और आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बजरंग बली के सक्षम लाल वस्त्र चढ़ाएं। ऐसे करने से बजरंग बली की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी का पत्ता, धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी का पत्ता चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसे करने से धन संबंधित दिक्कतों का समाधान मिलता है। लड्डू करें अर्पित। बजरंग बली को लड्डू बहुत ही पसंद है। अगर कोई दाम्पत्य संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से इच्छा अनुसार लाभ मिलता है। ध्वजा का करें दान। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर मंगलवार के दिन अगर आप केसरिया रंग का ध्वजा बजरंग बली को अर्पित करते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं जल्द ही दूर होती हैं। सिंदूर अर्पित करें। पवन पुत्र को नारंगी रंग का सिंदूर प्रिय होता है। मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर पवन पुत्र को सिंदूर अर्पित करते हैं ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।